नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। आपदा जैसे हालात, किसी ने रिश्तेदार की हाली शरण तो किसी ने सड़क पर गुजारी रात, मंत्री ने पीड़ितों का जाना हाल। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने हल्द्वानी और काठगोदाम के आपदाग्रस्त प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ित लोगों का हालचाल जाना, साथ ही प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता के चेक और राशन किट बांटे। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है, उनकी असंभव मदद की जाएगी। वहीं आपदा पीड़ितों ने अपना दुख बयां किया है। उनका कहना है कि किसी ने रिश्तेदार के पास शरण ली तो किसी ने सड़क पर रात गुजारी। हरिद्वार में तटबंध टूटने से हड़कंप, गंगा भी वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही। हरिद्वार में श्यामपुर कांगड़ी गांव के पास गंगा का तटबंध टूट गया है, जिससे कांगड़ी गांव के साथ साथ 3 दूसरे गांव को भी खतरा पैदा हो गया है। इसके अलावा गंगा के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ATM में पैसा डालने वाली कंपनी के कर्मचारियों से 14.50 लाख की लूट, बदमाशों ने दिन दहाड़े दिया वारदात को अंजाम। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के में दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में मनी ट्रांसफर कंपनी के कर्मचारियों से बाइक सवार बदमाशों ने 14.50 लाख रुपए लूट लिए। इस लूट के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। हालांकि अभी तक बदमाशों के बारे में कोई सुराग नहीं लग पाया है। देहरादून में पानी के सैलाब में डूबने से लड़की की मौत, ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी को ठहराया जिम्मेदार। देहरादून में मूसलाधार बारिश से पूरे प्रदेश में तबाही का आलम देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में डोईवाला में भी एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां मांझेरी ग्रांड में सैलाब का पानी दीवार तोड़कर घर में घुस गया, जिससे 12 वर्षीय लड़की की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लड़की घर में सो रही थी, तभी वह हादसे का शिकार हो गई। ऐसे में परिजनों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। रामनगर में PSC जवान ने IRB के पोस्ट कमांडेंट को पीटा, मुकदमा दर्ज। शहर में PSC जवान ने IRB के पोस्ट कमांडेंट को पीट दिया। जवान ने चाबी से RBI कमांडेंट पर हमला किया। इस हमले में RBI कमांडेंट घायल हो गया। जवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ऋषिकेश में MDDA ने 8 अवैध बिल्डिंगों को किया सील, अब तक 52 इमारतों पर हो चुकी है कार्रवाई। हाईकोर्ट के आदेश पर ऋषिकेश के पशुलोक विस्थापित कॉलोनी में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन हो रहा है। MDDA ने अब तक 52 बिल्डिंगों को सील कर चुका है। अभी भी करीब 18 बिल्डिंगों को और सील किया जाना है। बिल्डिंगों को चेतावनी दी गई है कि अगर सील के साथ छेड़छाड़ की तो पुलिस में मुकदमा लिखवाया जाएगा। पौड़ी में खाई में गिरा मैक्स वाहन, 7 लोग घायल। ऋषिकेश में भारी जल भराव। पौड़ी में खैरा लिंग मंदिर के समीप एक मैक्स वाहन 50 फीट गहरी खाई में जा गिरा, जिससे हादसे में 7 लोग घायल हो गए हैं। ऋषिकेश में भारी बारिश से हर जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं सौंग नदी में पिकनिक मनाने गए 3 व्यक्तियों का रायपुर पुलिस ने सुरक्षित रेस्क्यू किया है। चिंता की बात, उत्तराखंड में बेरोजगारी युवाओं को बना रही मनोरोगी। हर दिन अस्पतालों में पहुंच रहे इतने मरीज। उत्तराखंड की शांत वादियों में भी अब मनोरोग के मरीज सामने आ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। डॉक्टरों के अनुसार हर दिन 35 से 40 मनोरोग के मरीज बेस अस्पताल शिकोर पहुंच रहे हैं। बाघों के संरक्षण प्लान पर राजाजी टाइगर रिजर्व की लेट लतीफी, CM धामी ने जताई चिंता। राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण टाइगर कंजर्वेशन प्लान अब तक ठंडे बस्ते में है। हैरत की बात यह है कि एक तरफ राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, जबकि बाघों के संरक्षण के लिए तैयार होने वाले प्लान को समयबद्ध तरीके से भी पूरा नहीं किया जा रहा। खास बात यह कि बाघों की संख्या के लिहाज से सुखद स्थिति में दिखने वाले कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। हरिद्वार के रेहड़ी पटरी व्यवसायियों ने निकाली स्वाभिमान रैली, मुख्य सचिव को भेजा ज्ञापन। 7 अगस्त को हरिद्वार में स्ट्रीट वेंडर्स पर आधारित हक्की लड़ाई लड़ेंगे पत्रिका व कार्टून डॉक्यूमेंट्री फिल्म का विमोचन हुआ था। उसी दिन लघु व्यापारियों ने स्वाभिमान रैली निकालने की घोषणा की थी। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रेहड़ी पटरी के व्यापारियों ने रैली निकाली और मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजा। नैनीताल में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, PM मोदी ने जिस सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए दिए 77 करोड़, उसी पर मंडराया खतरा। बीते 2 दिनों से नैनीताल में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मंगोली खमारी गांव में आपदा जैसे हालत बनने लगे। अतिवृष्टि के चलते जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। आधा दर्जन से अधिक गांव का संपर्क नैनीताल से पूरी तरीके से कट गया है। साथ ही सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। खतरे की जद में जौनसार बावर का खमरौली गाँव, स्कूल अस्पताल और घरों में आई दरारें, मंत्री ने किया स्थल अनेक्षण। उत्तराखंड में इस बार के मानसून से हाहाकार मचा है। खासकर पहाड़ी जिलों में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई है। अनेक इलाकों में घरों में दरारें आ गई हैं। विकास नगर के जौनसार बावर में घरों पर आई चौड़ी दरारों से लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। ऋषिकेश में हिंदू परिवार ने घर में बनाई मजार, धार्मिक संगठनों ने किया हंगामा, पुलिस ने सुलझाया मसला। ऋषिकेश की मुनि की रेती इलाके में वाल होते होते बचा। दरअसल हिंदू संगठनों को किसी ने सूचना दी कि एक हिंदू घर में मजार बनाकर पूजा की जा रही है। इस पर हिंदू संगठनों के लोग उस घर पर जा धमके। पुलिस की समझदारी से मामला शांतिपूर्वक निपटाया गया।
छिदेव सुमन विश्वविद्यालय में दोबारा पीजी पर रोक, नियम लागू करने वाला राज्य व देश का पहला विश्वविद्यालय। बीएड कॉलेजों में बिना संबद्धता पत्र दाखिले पर रोक के निर्देशों के चल रहे विवाद के बीच छिदेव सुमन का एक और कारनामा सामने आया है। विश्वविद्यालय ने इस साल से उन छात्रों के दोबारा पीजी दाखिले पर रोक लगा दी है जो पूर्व में विश्वविद्यालय से पीजी कोर्स कर चुके हैं। ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के पास गिरी दीवार, मलबे में दबे दो साधु, एक को बचाया दूसरे की मौत। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला चौरासी कुटिया के पास गुरुवार सुबह एक दीवार गिर गई, मलबे में दो साधु दब गए। आनंद फानंद में आसपास के लोगों ने एक साधु को निकाल लिया जबकि दूसरी की तलाश की जा रही थी। कुछ देर बाद एसडीआरएफ की टीम ने दूसरे साधु का शव बरामद कर लिया। भूस्खलन हादसे में लापता हुए लोगों में दो और शव हुए बरामद, 18 की तलाश जारी। गौरीकुंड भूस्खलन हादसे में लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 शव पूर्व में बरामद कर लिए गए थे। आज गुरुवार को एसडीआरएफ की टीम ने दो और शव बरामद किए हैं। एक शव की शिनाख्त वीर बहादुर के रूप में हुई है। जेलर की रिलीज से पहले उत्तराखंड पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत, मां गंगा का लिया आशीर्वाद। बॉलीवुड एवं दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत अपनी फिल्म जेलर की रिलीज से एक दिन पहले उत्तराखंड पहुंचे हैं। बुधवार शाम वह इंडिगो की बेंगलुरु वाली फ्लाइट से शाम 3:25 पर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से रजनीकांत ऋषिकेश के लिए रवाना हुए। तबाही के शराब में बह गई जिंदगियां, 70 दिनों में 132 मौत, कई लापता, आपदा ने दिए ऐसे गहरे जख्म। प्रदेश में भारी बरसात, लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। मानसून सीजन में 1 जून से अब तक 70 दिनों में नदी नालों में डूबने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में 132 लोग जान गंवा चुके हैं। कई लोग लापता भी हो गए हैं जिनकी तलाश जारी है। पिछले वर्ष जून से सितंबर तक 244 लोगों ने जान गंवाई थी। हरिद्वार, मनसा देवी के पहाड़ से काली मंदिर के पास हुआ भूस्खलन, आसपास के क्षेत्र से लोगों को हटवाया। हरिद्वार में गुरुवार को सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। इसके चलते मनसा देवी के पहाड़ से काली मंदिर के पास भूस्खलन हो गया। इस दौरान भारी मात्रा में मलबा रेलवे ट्रैक और मंदिर के पास गिर गया। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की टीम ने आसपास के क्षेत्र से लोगों को हटवाया। वहीं मलबा आने के कारण बाधित रेलवे ट्रैक को 4 घंटे बाद सुचारू किया जा सका। पहले सेना में दिखाया दम, अब पुलिस में लहराया परचम, जल्द सम्मानित होंगे सब इंस्पेक्टर रणवीर रमोला। कोतवाली श्रीनगर बाजार चौकी प्रभारी एसआई रवीन रमोला सेना में रहते हुए देश की सरहदों पर उत्कृष्ट काम करते रहे। पुलिस सेवा में बेहतर पुलिसिंग के लिए उन्हें विशिष्ट कार्य के लिए सराहनीय सेवा सम्मान से नवाजा जाएगा। रमोला को यह सम्मान आगामी स्वतंत्रता दिवस पर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा कोतवाली श्रीनगर के एसआई वेद प्रकाश और कोतवाली कोटद्वार के कांस्टेबल अमरजीत को भी सराहनीय सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बाद पुलिस प्रशासन की टीमें सतर्क हो गई हैं। मौसम विभाग की माने तो आगामी 14 अगस्त तक प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। पुष्पा स्टाइल में ड्राइवर कर रहा था लीसा की तस्करी, टैंकर में छुपा कर ले जाया जा रहा था माल, वन विभाग ने पकड़ा। उत्तराखंड में उधमसिंह नगर जिले में वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। वन विभाग की टीम ने इंडियन ऑयल के टैंकर के ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ड्राइवर इंडियन ऑयल के टैंकर में लीसा भरकर ले जा रहा था। गौरा नदी से रेलवे लाइन को खतरा, ट्रैक 3 से ट्रेनों का संचालन बंद। हरिद्वार में पटरी पर गिरा मलबा, हल्द्वानी की गौरा नदी के कटाव से रेलवे ट्रैक पर खतरा मंडरा रहा है। इतने ट्रैक नंबर 3 के नीचे से मिट्टी बह गई है। ऐसे में एहतियातन इस ट्रैक से रेलवे का संचालन रोक दिया गया है जबकि ट्रैक नंबर 2 और 1 से भी ट्रेनों का संचालन हो रहा है। उधर हरिद्वार में भी मलबा गिरने से देहरादून और ऋषिकेश के बीच रेलवे ट्रैक बाधित हो गया जिसे अब खोल दिया गया है। वही कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पहुंचकर मौका मुआयना किया। उत्तराखंड में बारिश के बाद बड़ी परेशानियां, मसूरी में हुआ भूस्खलन, थराली में भी रोड का हिस्सा बहा। थराली विधायक भोपाल राम टमटा ने आज थराली देवाल वाण मोटरमार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्से कनेक्शन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द रोड का काम शुरू करने के निर्देश दिए। वही मसूरी पेट्रोल पंप के पास भूस्खलन हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया। मुनि की रेती में परिवार के देवदूत बनी पुलिस, बचाई 6 लोगों की जान। भारी बारिश की वजह से मुनि की रेती नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत खारा सोत के एक घर में पानी, बरसाती पानी आफत बनकर घुस गया। हालत ऐसे बन गए कि घर के सदस्य दरवाजा खोलकर बाहर भी नहीं भाग सके। किसी तरह जान बचाने के लिए परिवार के एक सदस्य ने सूझबूझ से पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलते इंस्पेक्टर रितेश शाह, एसएसआई गोपाल दत्त भट्ट, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम
मौके पर पहुंचे किसी तरह खिड़की के बगल में दीवार को तोड़कर घर में फंसे परिवार के 6 सदस्यों को पुलिस टीम ने बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजा। वहीं मकान के दूसरे छोर में रह रहे 15 सदस्यों को भी सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित स्थान पर भेजा। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि अगर कुछ और देर होती तो कमरे में बारिश का पानी भर जाता, जिससे परिवार के सदस्यों की जान को खतरा हो सकता था। जान बचाए जाने पर परिवार के सदस्यों ने पुलिस और SDRF की टीम का आभार व्यक्त किया। परिवार के सदस्यों ने हेमंत कुमार, कमलेश देवी, लीला देवी, मीनाक्षी काजल और पूजा शामिल हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।